अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू क्लासिक वीडियो। आज हम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं 2.6 जो कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस। बड़ा ही सिंपल और आसान सा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं वो कितने टाइप की हैं, किस किस तरह की और कौन कौन से, आज हमने वो डिस्कस करना है। बेसिकली हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस तीन तरह की होती हैं। अगर हमने एक बॉडी कंसिडर किया जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास तीन टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशंस आ जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। उसके बाद सेकंड हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। दैट्स इट, ये हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, इनको आज हमने स्टडी करना है। बस सिंपल सी बात है, थोड़ा सा आपको समझा के मैंने इसको बताना है कि इसको हम ड्राइव कैसे कर सकते हैं। जो बेसिक तीन इक्वेशंस हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इनको अब हमने ड्राइव कैसे करना है। बड़ा आसान सिंपल और सादा सा तरीका है, बिल्कुल आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन होती क्या है। अगर हमारे पास कोई बॉडी मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो उसके अंदर उसके लिए हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आएगी। अच्छा, वो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको बता दी हैं कौन कौन सी हैं। अच्छा, उसके बाद वो जो चीज़ें हैं, वो जो इक्वेशंस हैं, वो किसके साथ रिलेट करती हैं? इनिशियल वेलोसिटी के साथ, फाइनल वेलोसिटी के साथ एंड एक्सेलरेशन के साथ, टाइम के साथ और डिस्टेंस कवर्ड बाय डेड बॉडी, मतलब जिस बॉडी की हम बात करें वो। अच्छा, इसको अगर हमने ड्राइव करना है तो सिंपली हम इसकी डेरिवेशन करने के लिए ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी मैग्नीट्यूड है, उसकी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है। उसकी डायरेक्शन अगर हम नहीं कंसिडर करते, जस्ट ओनली उसकी मैग्नीट्यूड करते हैं, उसकी डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटीज की एंड एक्सेलरेशन की। अच्छा, अब हमने कंसिडर कर लिया है कि एक बॉडी जो है वो मूव कर रहा है। अब देखें, हमारे पास ये है एक ग्राफ बना हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। अब हमने ये कंसिडर करना है कि ये एक बॉडी है, ये जितना कवर्ड एरिया है ना, ये उस बॉडी का जो डिस्टेंस उसने कवर किया है, ये वो है। हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, यानी जो उसने वेलोसिटी स्टार्ट, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्ट वाली वेलोसिटी, जो पहले उसकी वेलोसिटी है वो हमारे पास वी आई है, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। अच्छा, कुछ टाइम गुजरता है, यानी टाइम टी गुजरने के बाद, टाइम को हम कहते हैं कि टी, टाइम टी गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो वी एफ हो जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। अब हमने क्या करना है, स्पीड टाइम ग्राफ के जरिए उस बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करना है। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ के जरिए हम जब उस बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, तो हमारे पास ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब क्या है कि हम एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम ले रहे हैं और वाई एक्सिस के ऊपर स्पीड ले रहे हैं। स्पीड टाइम ग्राफ आ गया। अब यहाँ पे हमने अगर बॉडी की मोशन को, यहाँ पे ये आपके पास आपको नज़र आ रहा है वी आई, ये आपके पास क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको ऐसे आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है वी आई, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट किया है और यहाँ पे आके आफ्टर टी टाइम टी उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, वी एफ हो गई है। और बॉडी क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बीच में ऊपर नीचे कहीं वो आगे पीछे नहीं हुआ, एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी ने मूव किया। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना उसने फासला तय किया वो आपके पास ये दिया गया है, ए से लेकर बी तक, यहाँ फाइनल वेलोसिटी दी गई आपको, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी दी गई, और यहाँ बी पे आके यहाँ इस पॉइंट पे आ गई आपके पास फाइनल वेलोसिटी, यानी जितना इसने इधर डिस्टेंस ट्रेवल किया है वहाँ से अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमारे पास उसका फाइनल आ जाएगा। इस ग्राफ के ऊपर अगर हमने देखना है, इस लाइन के ऊपर, तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। विद एक्सेलरेशन ए उसने मूव किया, यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो किसको शो कर रहा है, एक्सेलरेशन को। अब जितना ये एरिया उसने कवर किया है, ये सारा जो कलर्ड एरिया, कलर्ड से मरा रही है लाइनिंग जो आपको नज़र आ रही है, ये सारा कलर्ड एरिया है, ये उसने क्या किया है, इतना उसने एरिया कवर किया है, ये सारा कलर्ड एरिया ये शो कर रहा है कि उस बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर किया है, यानी ये टोटल डिस्टेंस को शो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम डॉटेड लाइन लगाते हैं, आपको जैसे कि नज़र आ रही है यहाँ पे, ये एक आपके पास बन गया ट्रायंगल, ओके, और ये नीचे आपके पास बन गया एक रेक्टेंगल, ये है ओ ए सी डी, मैंने इसको नाम दिया रेक्टेंगल को, और इसी तरह ये जो ट्रायंगल है इसको ए बी और सी, ये ट्रायंगल का नाम, आप अपनी मर्जी से इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी, रेड, पिंक, येलो, ब्लू, ग्रीन, जो आपको अच्छा लगता है, किसी फ्रेंड का नाम या कुछ भी, जो भी आपका दिल चाहे आप इसको नाम दे सकते हैं, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपने ए बी सी डी ही लिखना है।
जो आपको अच्छा लगे, जो आपके माइंड को फ्रेश करे, इसको देख के आपको पढ़ने में आसानी हो, आपका दिल करे कि आप इसको करें, वो आप नाम रखें और इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करें। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इक्वेशन ऑफ मोशन की ड्राइवेशन होने जा रही है। बिल्कुल आप इसको ईजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे, बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊँगी, बिल्कुल किसी झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लो जी, इतनी आपको समझ आ गई कि ये हमारे पास क्या होता है। ये वी आई है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारे पास क्या है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन ए है। इसने बॉडी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है, डिस्टेंस कवर किया है। इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी, एक ट्राइंगल बन गया, ओ ए सी डी हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया, डेट्स इट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ आते हैं। हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव करते हैं। लो जी, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये देखना है ये हमारे पास क्या बन गया, स्लोप बन गया। ए से बी तक क्या है, स्लोप बन गई है। अब आपने क्या देखना है, स्लोप ऑफ लाइन अगर आपने देखनी है तो वो ए से बी तक किसके इक्वल आ गया, एक्सेलरेशन की। ये आपको नज़र आ रहा है, ए से बी तक यहाँ पे ये क्या है, एक्सेलरेशन है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये जो ए बी है ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी ओवर सी डी। ये जो है आपके पास ए बी, ये किसके इक्वल आ जाएगी, बी सी ओवर सी डी, क्योंकि ये सारा टोटल एरिया है ये उस बॉडी ने कवर किया है। सो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन के बराबर है। सो ये आ जाएगा आपके पास बी सी ओवर सी बी सी ओवर, यहाँ से हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, एक हमारे पास ट्रायंगल आ गया और ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गया। यहाँ से अगर हम ट्रायंगल लेते हैं इधर से, इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो हम क्या करेंगे, ये आपने वो पढ़ा हुआ था कायदा, कायदा बटा वतर और वो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, उससे आपको वो 8th क्लास में की मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि हम यहाँ पे वतर है तो इसको कहाँ पे लिखते हैं, एक वो बेस होती है और वो सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है, उसको हमने किस तरह से लिखते हैं, मतलब उमूद बटा कायदा और वतर इज इक्वल टू, ये सब कुछ आपने पढ़ा। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या लेना है, ये हमारे पास आ गया इसका ए बी, इस ये हमारे पास होगा, इसको हम लिखेंगे ए को इस साइड पे लिखेंगे, इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास बी सी ओवर ए सी। ठीक हो गया, यानी कि आपने यहाँ पे ये लिखना है वतर इज इक्वल टू उमूद बटा कायदा, तो वो आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी, ये आपने लिख दिया। अब ये जो आपके पास बी सी है, मतलब इतनी आपको समझ आ गई कि ए इज इक्वल टू बी सी ओवर सी ए लिख दिया। अच्छा, अब ये जो आपके पास बी और सी है, ये टोटल डिस्टेंस बॉडी ने कितना कवर किया है, बी से लेकर डी तक, टोटल डिस्टेंस बी से लेकर डी तक कवर किया है ना, आपने यहाँ पे बताया उसको बी और सी। बी और सी कैसे आएगा जब, यानी कि ऊपर आपके पास बी और सी कैसे आया, जब आपने बी और डी में से सी और डी निकाल दिया। मेरी बात की आपको समझ आ रही है, आपने यहाँ पे लिखा बी और सी बटा ए सी। ठीक हो गया, अब बी और सी किस तरह से आपके पास आया, जब आपने लिखा बी और डी में से सी और डी, यानी एक ये पूरा एरिया है ना, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा एरिया है, जब आप इसमें से आधा एरिया ये वाला निकाल देंगे, ये वाला आधा एरिया निकाल देंगे, तो फिर आपके पास ऊपर वाला ये आधा एरिया बच जाएगा। ठीक हो गया, सो आप यहाँ पे लिखेंगे बी डी माइनस सी डी ओवर ए डी। अच्छा, ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ए जो है लाइन, एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल था, बी सी ओवर ए सी, यानी कि ये देखें एक्सेलरेशन ये है, ये किसके इक्वल है, बी सी ओवर ए सी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब बी सी अगर आपने लिखा हुआ है एरिया, तो उसने सारा कवर किया है, ये सारा यानी बी से लेकर डी तक कवर किया है। अगर आपने बी सी लिखा है तो इसका मतलब यह है कि आपने कुछ माइनस किया है, वो माइनस क्या किया, इस बी डी टोटल में से आपने सी डी माइनस किया है, तो इसलिए आपके पास बी सी आ गया। बी डी माइनस सी डी आपने किया तो आपके पास क्या आ गया, बी सी आ गया। अब ये जो आपके पास ए से लेकर सी तक है, ये किसके इक्वल है, ओ से लेकर डी तक, यानी कि ए और सी और ओ और डी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। सो आप ए सी की जगह पे ओ डी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख दें ए सी की जगह पे, ए सी की जगह पे ओ डी लिख दें। ठीक हो गया, अब आपने ये बताना है कि आपके पास जो यहाँ पे बी डी है, ये वाली बी डी, ये आपके पास क्या है, वी एफ के इक्वल है, यानी गेन इन स्पीड एट, यहाँ पे आपने स्पीड को गेन किया। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद जो सी डी है, सी डी, ये आपके पास क्या आ गया, आपकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी ये आपके पास जो नीचे वाला एरिया है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्ट वाली वेलोसिटी है। ये वाला जो एरिया है बी सी, ये आपने यहाँ, ये जो बी डी है यहाँ पे, ये आपने क्या हो जाएगा, आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ये सी डी आपकी इनिशियल वेलोसिटी है और बी डी आपकी फाइनल, यानी डी से लेकर बी तक आपकी फाइनल वेलोसिटी है। सो आपके पास क्या हो जाएगा, ओ डी जो होता है वो आपके पास टाइम के इक्वल है।
ये जितना आपने टाइम, यानी आपने एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लिया हुआ है ना, और ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपने एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लेना है और वाई एक्सिस के ऊपर स्पीड लेनी है। सो ओ से लेकर डी तक क्या हो गया आपके पास? टाइम हो गया, टी आपने ले लिया, और जनाब डी से लेकर बी तक आपके पास फाइनल वेलोसिटी हो गई है, और डी से लेकर सी तक आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब ये वाली सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रही हैं, जहाँ पे बी डी था, बी डी मैंने आपको क्या बताया, आपकी फाइनल वेलोसिटी है, सी डी आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ओ डी आपका क्या है, टाइम टी है। तो आप इन सारी इक्वेशंस को, इन सब की जगह पे उनको पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, वैल्यूज़ यानी वी आई वी एफ ओ टी, तो वो क्या ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी ये आ जाएगा। अब यहाँ पे टी को मैंने आपको बताया था कि एक तरफ अगर एक चीज़ तकसीम हो रही है तो दूसरी तरफ वो जाके ज़रब हो जाएगी, यहाँ से आप टी को उठाएंगे और इधर ले जाएंगे, इधर जाके ये ज़रब हो जाएगी, ये आ जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब अगर आपने यहाँ से फाइनल वेलोसिटी अपनी निकालनी है तो आप वी एफ को इधर रहने दें और ये जो चीज़ इधर माइनस हो रही है वो दूसरी तरफ जाके जमा हो जाएगी। ये भी आपने एक बात याद रखनी है कि अगर एक चीज़ एक तरफ माइनस हो रही है दूसरी तरफ जाके जमा हो जाती है, और अगर एक चीज़ एक तरफ जमा हो रही है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है। इसी तरह अगर बराबर के एक साइड पर एक चीज़ तकसीम हो रही है तो दूसरी तरफ जाके ज़रब हो जाती है, और बराबर के एक साइड पर अगर एक चीज़ ज़रब हो रही है तो दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाती है। सो उसी को हम फॉलो करते हुए क्या करते हैं कि यहाँ पे आपने अगर फाइनल वेलोसिटी को निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यानी वी आई एक साइड पे रह जाएगा, वी एफ को आप एक साइड पे कर लेंगे और दूसरी तरफ जाके आप उसको ए टी उसके अंदर प्लस कर देंगे। डेट्स इट, ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है आपके पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दूसरी अब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन करनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, भी बहुत ज़्यादा आसान है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमने क्या किया था, एक हमने ये एक ट्रायंगल ही थी ए बी और सी, ये ट्रायंगल ही थी। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, ए बी सी एक ट्रायंगल लेते हैं और ए सी डी ओ यानी ओ ए सी डी एक रेक्टेंगल, दोनों चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड भी अपनी निकाल लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास ओ ए सी डी एक ट्रायंगल है, यहाँ से देखते हैं इसकी डायग्राम ओ ए सी डी, डायग्राम से आप समझ लें, डेरिवेशन आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अच्छा जी, ओ ए सी डी ये हमने एक ले ली रेक्टेंगल। अब ओ ए सी डी के अंदर ये जो रेक्टेंगल है ये हमारे पास किस के इक्वल होगी, अगर हमने इसका एरिया फाइंड आउट करें, यानी इस रेक्टेंगल का अगर हम एरिया लेते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, ओ ए के और ओ डी के, यानी इसकी लंबाई ज़रब इसकी चौड़ाई। ठीक हो गया, आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस बात को, ये ओ ए सी डी एक रेक्टेंगल हमने ली है, यहाँ से अगर हमने इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया यानी कि उसका अहाता अगर हमने निकालना है तो एरिया किसके बराबर होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई की, तो इसकी लंबाई कितनी है ओ ए और इसकी चौड़ाई कितनी है ओ डी। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे ओ ए ज़रब ओ डी यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास ओ ए है ये किसके इक्वल है, जैसे मैंने आपको बताया था सी डी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई थी, सी डी और OA एक ही बात है, तो OA हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी VI है, और ये जो OD है ये हमारे पास क्या है, टाइम है, T है, यानी कि O से लेकर D तक ये क्या है, टाइम T है, तो हम क्या लिख देंगे VI क्रॉस T, जहां पे हमने ये लिखा, अब आपको समझ आ गई है, OA क्रॉस OD हमने निकाला है, यहां पे हम लिख देंगे VI क्रॉस T। ठीक हो गया, फिर दोबारा हम इस ग्राफ की तरफ चलते हैं, अब हमने ले लेना ये तो आ गया आपके पास उसका एरिया। अब अगर हमने एरिया ऑफ ए बी सी जो ट्रायंगल है अगर हमने इसका एरिया लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इसका अगर हमने एरिया लेना है तो हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास ये देखो ना, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से ऐसे इधर से ऐसे ये एक पूरी रेक्टेंगल बनती है, आप इस बात को ध्यान से अंडरस्टैंड करें, ये जहाँ पे वी एफ लिखा हुआ है ये, यहाँ जहाँ पे बी लिखा हुआ है ये, जहाँ पे ये आपके पास सी लिखा हुआ है ये, और जहाँ पे ये ए लिखा हुआ है ये आपके पास एक पूरी रेक्टेंगल बनती है। ठीक हो गया, लेकिन हमने इसका हाफ कर दिया, इसको दरमियान से कट कर दिया हुआ है, यहाँ तक इसको हम ले गए क्योंकि बॉडी ने इस तरह से मूव किया, अगर इस तरह हम इसको ले गए हैं तो इसका मतलब ये है कि इस रेक्टेंगल का आधा हिस्सा बनता है। ठीक हो गया, यानी एक ट्रायंगल बन गया, अगर हमने उस आधे हिस्से का फाइंड आउट करना है एरिया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बटा दो लगाएंगे, हाफ यानी एक बटा दो लगाएंगे क्योंकि पूरी रेक्टेंगल से आधा हो गया। अच्छा, वो एक बटा दो लगाएंगे, उसके बाद अगर हमने फिर इस एरिया का फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ए सी क्रॉस बी सी, ए सी क्रॉस यानी इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, समझ आ गई आपको, आधा यानी एक बटा दो
फिर ब्रैकेट में आप लिखेंगे ए सी क्रॉस बी सी, यानी इसकी लंबाई ज़रब चौड़ाई, आपने एरिया फाइंड आउट करना है। अब समझ आ गया आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 45 के ऊपर यहाँ पे इसकी डेरिवेशन दी हुई है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो उसके अंदर 1/2 लिखा हुआ है। अगर आपको ये नहीं पता कि वो 1/2 कहाँ से आया है और वो कैसे आया, तो इसको ध्यान से आप दोबारा से इसको सुन लीजिएगा जो मैंने आपको बताया, दोबारा से देख लीजिएगा कि 1/2 कैसे आया है, वो मैंने आपको अभी बताया। अच्छा, वो आपने 1/2 लिख दिया। अब ये जो ए सी है ये टी के बराबर है ना, जैसे ये ओ डी था, ये टी के बराबर है ना, ये दोनों लाइन्स पैरेलल लाइन्स का मतलब ये कि एक जैसी वैल्यूज हैं दोनों की, ये टी के बराबर हो गया क्रॉस। ये हमारे पास बी सी किसके बराबर हो गया, एक तो ये हमारे पास ए हो गया, ठीक हो गया, एक यहाँ एक्सेलरेशन हमने लिया ए हो गया, दूसरा हमारे पास टी हो गया। बी सी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए टी के। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है हाफ टी क्रॉस ए टी, ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1/2 ए टी स्केयर, 1/2 ए टी स्केयर, ऐसे बन जाता है ना, 1/2 टी ये वाला टी ये वाला, तो ए टी का ऊपर मुरब्बा यानी हाफ ए टी स्केयर हो गया, ठीक हो गया। ये आपके पास इक्वेशन होगी वन, ये होगी इक्वेशन होगी टू। अब वो जो आपने फर्स्ट एक रिलेशन लिखा था कि आपने इन दोनों को इक्वेशन यानी कि ये ओ ए सी डी, यानी आपने टोटल कवर्ड एरिया बताना है ना, टोटल कवर्ड एरिया। एक दफ़ा आपने रेक्टेंगल का फाइंड आउट कर लिया, एक दफ़ा आपने ट्राइंगल का फाइंड आउट कर लिया, अब आपने इन दोनों को प्लस कर देना है, रेक्टेंगल वाले को और ट्राइंगल वाले को, दोनों को आपने प्लस कर देना है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल का जो आपने फाइंड आउट किया एरिया वो आ जाएगा वी आई टी, वो आपने ये देखें वी आई टी फाइंड आउट किया है, प्लस हाफ ए टी स्केयर, ये आपने ये वाला फाइंड किया, तो ये आपके पास बन जाएगा वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर इज इक्वल टू एस, यानी एस टोटल डिस्टेंस जो है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बिल्कुल आसान है, बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें कोई मुश्किल और कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आगे जी हम आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे ज़्यादा आसान है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमने क्या आपने क्या करना है, सेम उसी तरह लिखना है, यानी इसकी जो अंदर आपने बातें लिखनी है ना वो सेम उसी तरह लिखनी है, बस मैं आपको डेरिवेशन समझा दूँ। एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन ए है, टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, और आफ्टर सम टाइम टी उसकी जो आफ्टर टाइम टी उसकी जो वेलोसिटी है वो वी एफ हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद वो आपने ये वाला ग्राफ बनाना है, ये वाला ग्राफ बनाने के बाद आपने क्या करना है, इनको ड्राइव करें। अब हम आ जाते हैं कोई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमने जाहिर है ये टोटल एरिया लेना है, मैंने आपको बताया था, तो आप क्या करेंगे ए ओ बी डी टोटल एरिया ले लेंगे, ठीक हो गया। ओ ए बी डी यानी हम पूरे टोटल एरिया को डिस्कस कर रहे हैं ना, जितना उस बॉडी ने कवर किया, तो एस हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी कितना आ जाएगा, ओ ए बी डी, यानी ओ से लेकर ए बी और ये डी यहाँ तक इस बॉडी ने एरिया कवर किया। अच्छा, अगर हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास देखिए ना, दो पार्ट में इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं ना, एक हमारे पास ये वाली लेंथ आ गई है, ये वाली लेंथ है ओ ए, दूसरी हमारे पास ये लेंथ है बी डी, ये वाली इस तरह से लेंथ होगी ना, एक हमारे पास ये आ गई ओ ए, दूसरी हमारे पास लेंथ होगी बी डी, तो हम क्या करेंगे इसको ओ ए करेंगे, यानी टोटल अगर हमने इसका एरिया देखना है तो हम क्या करेंगे कि ओ ए, ठीक हो गया, प्लस हम क्या करेंगे बी डी, ये दोनों लेंथ जो है ना वो हमने लेनी है, लेकिन इनके दरमियान हमने प्लस लगाना है, बटा हम लिखेंगे दो। अब हम लिख कर रहे हैं एक्चुअली लंबाई ज़रब चौड़ाई, इसकी देखें ना लंबाई, अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा टोटल एरिया ले रहे हैं तो फिर इसकी दो लंबाइयाँ बनती हैं। दो लंबाइयाँ किस तरह से बनती हैं, एक ये ओ ए है, दूसरी उसकी लंबाई ये बी डी है। अगर तो ये हमारे पास हम यहाँ से लेकर ओ से लेकर ये वी एफ तक लेते ना, फर्ज करें वी एफ कोई पॉइंट होता तो इसकी लंबाई यहाँ तक लेते, तो फिर ये वाली ओ से लेकर वी एफ तक लंबाई और बी से लेकर डी तक ये दोनों लंबाई सेम आ जानी थी, एक जैसी आ जानी थी, फिर हमने इन दोनों में से कोई एक लंबाई ले लेनी थी, ठीक है, मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, फिर दोनों लंबाइयाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब जबकि हमारे पास एरिया जो टोटल कवर हुआ है वो ओ ए बी डी यहाँ तक एरिया कवर हुआ है, अब ओ से लेकर ए में और बी से लेकर डी में दोनों लंबाइयों में फर्क है, यानी ये वाली लंबाई छोटी है, ये वाली लंबाई ज्यादा है, सो हम दोनों लंबाइयों को लेंगे, दोनों लंबाइयां बराबर नहीं है, इसलिए हम दोनों में से किसी एक को नहीं ले सकते, हम दोनों लंबाइयां लिखेंगे, ओ ए लिखेंगे जमा बी डी लिखेंगे, ठीक है, नीचे हम लगा देंगे 2/2 लगा देंगे, यानी दो लंबाई हमारे पास 2/2 लगा देंगे। अच्छा, ज़रब इसकी क्या होता है, लंबाई होगी, लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है, चौड़ाई हमारे पास कितनी आ गई ओ से लेकर डी तक, टोटल चौड़ाई जो है ना वो ये है, लेकिन लंबाई एक ये है और एक ये लंबाई है, चौड़ाई टोटल कितनी है ओ डी, तो लंबाई ज़रब चौड़ाई क्या हो जाएगा ओ ए जमा बी डी 2 ज़रब ओ डी, ये हमारे पास कितनी आ गई लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक हो गया, इज इक्वल टू एस, यानी एस जो है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी वो आपके पास आ गया एस, ये देखें जहाँ पे ये लिखा हुआ है एस आ गया।
अच्छा अब आपने क्या करना है, ये आपके पास आ गया। अच्छा ये S इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी टी ओवर टू क्रॉस ओ टी। यहाँ से आपने करना है क्या करना है, टू को उठा के इस तरफ ले जाना, यानी बराबर के निशान के दूसरी तरफ अगर टू जाएगा तो यहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास टू एस इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी ब्रैकेट के अंदर क्रॉस ओ डी। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स को बी सी बटा ओ डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से ओ डी को ख़त्म करने के लिए, ये जो ओ डी लिखा हुआ है ना आपके पास, इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, टू एस को भी बी सी बटा ओ डी के साथ ज़रब देंगे, और इस ओ ए जमा बी डी जो है क्रॉस ओ डी, इसको भी इस साइड को भी आप बी सी बटा ओ डी के साथ ज़रब देंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो ओ डी लिखा हुआ है इसको कैंसिल करने के लिए। अच्छा बी सी आप ज़रब दे देंगे, जैसे कि आपके पास ये दी हुई है टू एस क्रॉस बी सी ओवर ओ डी आ गया, ये इसी तरह क्रॉस आपके पास बी सी ओवर ओ डी, ये ओ डी आप इस ओ डी से काट देंगे, पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, टू एस क्रॉस बी सी ओवर ओ डी। नीचे थर्ड लास्ट लाइन में देखें, बी सी टू एस क्रॉस बी सी ओवर ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी क्रॉस बी सी, यानी फोर्थ लाइन में क्या हुआ, ओ डी से कैंसिल हो गया। अच्छा अब आपने यहाँ पे पीछे अपनी फिगर में आ जाएं, यहाँ पे हमारे पास जो बी सी है और हमारे पास जो ओ डी है, यानी कि ये जो बी सी है और ये जो हमारे पास ओ डी है, ये बी सी किसके इक्वल था और ये जो ओ डी है, ये टोटल हमारे पास क्या है, ए के इक्वल है, यानी एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी सी ओवर ओ डी की जो एक्सेलरेशन लिख देंगे इस इक्वेशन में इस तरफ में, क्योंकि उधर से तो ओ डी कैंसिल हो गया, बी सी बटा ओ डी हमारे पास एक्सेलरेशन का, इस तरफ हम एक्सेलरेशन लिख देंगे, उधर बी सी लिखा रहे, ठीक हो गया। अच्छा अब हमने वो पीछे जितनी हमने कर ली थी उससे हमें अंदाज़ा हो गया, तो जैसे ये देखें बी डी किसके इक्वल है, वी एफ के, सी डी किसके इक्वल है, वी आई के, ओ डी किसके इक्वल है, टी के, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये वाली वैल्यूज आप ला के यहाँ पे पुट करें, तो ये आ जाएगा टू एस क्रॉस ए वी आई प्लस वी एफ, तो क्रॉस हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी की जगह पे वी एफ माइनस वी आई। अब वो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है अपनी मैथमेटिक्स के अंदर, ए जमा बी ब्रैकेट बंद ज़रब ए माइनस बी, यानी ए जमा बी और ए माइनस बी ज़रब अगर हो रहे हो तो वो आपके पास क्या हो जाता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये फार्मूला बड़ा बेसिक से आपने एट्थ क्लास में पढ़ा हुआ है, ए जमा बी ब्रैकेट बंद ज़रब ए माइनस बी ब्रैकेट बंद, तो अगर हम इन दोनों को ज़रब करें तो वो आपके पास आ जाता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो उसी तरह ये आपके पास जो सेकेंड लास्ट लाइन के अंदर वी आई जमा वी एफ क्रॉस वी एफ माइनस वी आई दिया हुआ है, ये भी इसी तरह ज़रब होकर क्या हो जाएगा, वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, टू ए एस। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, बहुत आसान सिंपल है, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेरिवेशन आ सकते हैं, डिराइव करें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करें, तो इनको ड्राइव करना बड़ा ही आसान है। अगर आपको एक दफ़ा इसकी समझ नहीं आई सुनने से तो दोबारा इसको सुन लीजिएगा, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो तीसरी दफ़ा सुन लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको सुनेंगे अच्छी तरह ध्यान से समझेंगे, ग्राफ को अंडरस्टैंड करेंगे, जो मैंने डेरिवेशन कराई है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो बिल्कुल किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, कोई आपको इवन बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी या कोई और नोट्स या कोई लेक्चर लेने की जरूरत नहीं रहेगी, अगर आप इसको ध्यान से सुन लेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि मैंने बड़े अच्छे तरीके से खोल के वाजिया करके आपको सारा समझा दिया। सो ये हमारे पास क्या आ जाती है, थर्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, जो मैंने आपको बताई थी उसकी, यानी कि आपको डेरिवेशन करने के अलावा भी जस्ट एक जो इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आपको आनी चाहिए वैसे भी, तो वो हमारे आपके पास क्या होगी, क्योंकि कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं पेपर में जब हो रहे हो या वैसे भी उनमें इतनी इंटेलिजेंसी है कि वो अगर उनको क्वेश्चन का आंसर आता ना तो नीचे से स्टार्ट करके उसके क्वेश्चन तक पहुँच जाते हैं, यानी अमूमन तो ये होता है ना कि क्वेश्चन से स्टार्ट करके हम स्टेप बाय स्टेप नीचे आते हैं और हम फिर आंसर लिखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि अगर उनको क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो आंसर से स्टार्ट करते हैं फिर स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाके वो सारे स्टेप कंप्लीट, नीचे से ऊपर जाके सारे स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। सो अगर आप उनमें से एक इंटेलिजेंट है तो आपको फिर इक्वेशन ऑफ मोशन आनी चाहिए, जो एक इक्वेशन है वो आपको आनी चाहिए, आप मे बी नीचे से ड्राइव करके ऊपर चले जाए उसको। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी एफ प्लस ए टी, और जनाब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है टू एस इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई स्केयर। डेट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट टॉपिक के में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो हम आपके पास है 2.7 मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, ये नेक्स्ट आर्टिकल है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।